प्रिय शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम कोड 510 के लिए एकेडमिक काउंसलर। आज हम पाठ्यक्रम कोड 510 के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों, ये कोर्स 4 क्रेडिट का टोटल आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 क्रेडिट सैद्धांतिक ज्ञान के लिए और 1 क्रेडिट प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें कि आपको ये सारा आपका मूल्यांकन होना है। इसके बाद ये पाठ्यक्रम 510 दो खंडों में विभक्त है, जिसमें खंड 1 विज्ञान की समझ और खंड 2 विज्ञान शिक्षण का प्रबंधन एवं मापन नाम से है। शिक्षार्थियों, कुल 4 इकाई हैं, जिसमें इकाई 1 विज्ञान की प्रकृति, इकाई 2 वैज्ञानिक जांच, इकाई 3 विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम, इकाई 4 करके देखने का अनुभव, भूमिका और महत्व सम्मिलित है। खंड दो में छात्रों 3 इकाई हैं हमारे पास, जिसमें हमें जो अध्ययन करना है, इकाई 5 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना, इकाई 6 आकलन और इकाई 7 विज्ञान शिक्षण में मुद्दे और चुनौतियाँ। इस प्रकार 2 ब्लॉक में टोटल 2 खंड में 7 हमारे पास इकाई रहेंगी, जिनका अध्ययन हम लोगों को करना है। पाठ्यक्रम 510 के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला उद्देश्य है बच्चे की विश्व के बारे में प्राकृतिक उत्सुकता को पोषण करना। दूसरा उद्देश्य है अनुभवों एवं विचार विमर्श के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं पर पहुंचना। तीसरा उद्देश्य दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझना। चौथा उद्देश्य बच्चे की विवेचनात्मक क्षमता का विकास करना। अगला उद्देश्य है विज्ञान की प्रकृति के विविध पहलुओं के साथ विद्यार्थियों को संबद्ध करना। इसके बाद अगला उद्देश्य रहेगा इसमें उपयुक्त शिक्षण अधिगम मूल्यांकन रणनीतियों के चुनाव और उपयोग में सहायता करना। इसका एक अन्य जो उद्देश्य है वो है एक समावेशी और प्रजातांत्रिक कार्य के रूप में विज्ञान को देखने में समर्थ बनाना। प्रिय शिक्षार्थियों, ये मुख्य उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रणाली है, यानी कि जिसमें हमको जिस तरीके से हमको इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वो कुछ इस तरह से है। आपसी विचार विमर्श करना, जिसमें हम आपस में शिक्षार्थी अपने जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके साथ ये आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे। दूसरा जो प्रणाली का पद है वो है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। विज्ञान शिक्षण से संबंधित या विज्ञान के प्रयोगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हम आयोजित करें, जिससे कि छात्रों में, शिक्षार्थियों में हम विज्ञान के प्रति एक सौंदर्य बोध उत्पन्न कर सकें। इसमें अगला जो प्रणाली में अगला जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी विज्ञान केंद्रों या प्रदर्शनी का अवलोकन करना। आपके आसपास स्थानीय स्तर पर अगर कोई विज्ञान केंद्र या इस तरीके की कोई अन्य इकाई उपस्थित है या अन्य संस्थान उपस्थित है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनको सीधे वहाँ ले जाएं, उनको सिखाएं कि विज्ञान किस तरह से हमको मदद करता है। इसके बाद अगला पद जो है अवधारणा मानचित्र पर आधारित इकाई योजना बनाना और प्रयोगों द्वारा करके सीखना। शिक्षार्थियों, साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसमें प्रयोगों द्वारा करके सीखने पर सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इकाइयों का जो विस्तृत विवरण है, उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमको विचार विमर्श करना है, जिनको हमको पढ़ना है। इकाई 1 विज्ञान की प्रकृति में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक विज्ञान के इतिहास और दर्शन, विज्ञान का दर्शन। अगले बिंदु में हमें अध्ययन करना है विज्ञान क्या है, परिभाषा और सामान्य लक्षण, विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रक्रिया। इसके बाद अगला बिंदु है वैज्ञानिक सोच, आनुभाविक साक्ष्य का उपयोग, तार्किक विवेचन का अभ्यास और अनुमानित ज्ञान के बारे में मध्यवर्ती प्रवृत्ति से सफल होना। अगला सोपान है वैज्ञानिक विधियाँ, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक विधियों के आवश्यक कदम और वैज्ञानिक मनोपूर्ति। इसके बाद इकाई 2 में जो हमको अध्ययन करना है, उसके मुख्य बिंदु हैं वैज्ञानिक पूछताछ की अवधारणा एवं प्रकार, पूछताछ के लिए प्रश्न उठाना, निर्देश प्राप्त करने के लिए परिकल्पनावाद, प्रेक्षण के निर्देशों को प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी करना, प्रतिमान और संबंध के लिए खोज, पूछताछ के लिए आविष्कार करना और योजना बनाना, उपकरणों का प्रारूपण एवं निर्माण करना, भागीदारी करना और संवाद करना, स्वचिंतन और स्वकार्यान्वयन और व्यक्तिगत जीवन में पूछताछ। इकाई 3 विज्ञान शिक्षण में विभिन्न उपागम, इसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य बिंदु 2 हैं वो हैं शिक्षण की प्रणाली और दूसरा बिंदु है उदाहरणों के साथ विभिन्न उपागम, संचारण या व्याख्यात्मक उपागम, प्रक्रिया या पूछताछ उपागम या खोज उपागम। इसके बाद इकाई 4 करके देखने का अनुभव, जिसके मुख्य बिंदु हैं बच्चों के अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभवों की भूमिका। अगला बिंदु है अन्वेषण के प्रकार, कक्षा में और विद्यालय के बाहर। इसके बाद अगला बिंदु है प्रायोगिक कार्य का संगठन। अगला जो बिंदु है वो है विद्यालय और विद्यालय के बाहर सुरक्षा मानक। इकाई 5 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना। हमारे जो अध्ययन के बिंदु रहेंगे वो इस तरह से हैं, योजना का सामान्य अवलोकन, विज्ञान में योजना और पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तार, कक्षा स्तर पर योजना, पाठ योजना, विद्यालय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, इलेक्ट्रॉनिक एवं नॉन इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की पहचान और विविध संसाधनों का उपयोग, और अंत में है अभिलेखन और प्रतिवेदन। इकाई छः आकलन से संबंधित है, जिसमें हमको जो बिंदु अध्ययन करने हैं वो हैं निर्धारण, क्या, कैसे और क्यों, मूल्यांकन की संकल्पना, उद्देश्य और विशेष विवरण, मूल्यांकन के प्रकार, आंतरिक निर्धारण, विज्ञान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन, विज्ञान में अधिगम में मदद के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना, कठिन तथ्यों की पहचान करना, उपचारी अधिगम को अनुभव कराना,
इसके बाद संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन और अंतिम बिंदु इस इकाई का है बच्चों के विचारों, कौशलों और मनोवृत्तियों का मूल्यांकन संरचित करना। इसके बाद शिक्षार्थियों जो इकाई 7 है, जो हमारी अंतिम इकाई रहेगी इस खंड की, खंड 2 की, वह है विज्ञान शिक्षण के मुद्दे और चुनौतियाँ, जिसमें हमको 3 मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करना है। विज्ञान सबके लिए, विभिन्न योग्यताओं का शिक्षण, विज्ञान और विज्ञान शिक्षण में उन्नति को जानना। इस प्रकार छात्रों, ये कार्यक्रम पाठ्यक्रम कोड 510 जो है वो 2 खंडों में विभक्त है, जिसके पहले खंड में 4 इकाइयाँ हैं, दूसरे खंड में हमारी 3 इकाइयाँ हैं जिनको हमको इसमें अध्ययन करना है, और इस तरीके से हम विज्ञान शिक्षण को अधिक से अधिक उत्प्रेरित कर सकेंगे। धन्यवाद।